सही है जी, सुने ये जमा करवा दीजिएगा। तुम करवा दो। अरे सही है जी, अच्छा लगेगा, मर्दों के बीच में जाके लाइन में खड़ी होंगी। लाइन में लगने का कौन कह रहा है, मोबाइल ऐप के थ्रू भरो ना, शिकायत तो था। वो आप खुद ही करा दीजिएगा, मुझे समझ में नहीं आता। समझ में क्या आता है, तुम नगमा भाभी को देखो, वो ऐसे सारे काम घर बैठे कर लेती है, तुम इतना भी नहीं कर सकती। वो मुझे समझ में नहीं आता, अंग्रेजी में इतनी सारी हिदायत आ जाती है और मोबाइल बैंकिंग तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आती। ब्रदर, तुम ना चादर बदलने के अलावा और बर्तन धोने के अलावा ना कुछ मत सीख। जी नहीं, कल ही मटन कुन्ना की तरकीब सीखी है, ऐसा बनाऊंगी ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अल्लाह बख्शे, मरहूमा सासूमा कहा करती थी कि मर्द के दिल का रास्ता उसके मेदे से होके गुजरता है, बस उस रास्ते पे चलना आना चाहिए। ऐसे मर्द ना दुनिया से चल बसे, अब मर्दों को मल्टीटास्किंग बीवी चाहिए होती है जो सारे काम कर सके। क्यों, आपके पास मेदा नहीं है, आपको भूख नहीं लगती? सुना, बात ही करना फजूल। सुने सैया जी, गुस्सा ना किया करें, मरहूमा सासूमा कहती थी कि जब शौहर ऑफिस जाए तो उसे प्यार से रुखसत करना चाहिए। इस सैया जी मत बोला करो, मुझे नाम है मेरा सुहेल। वो आपका नाम लेते हुए मुझे शर्म आती है। बाय सैया जी। जी सर। जी जिसपे मैं कल काम कर रही थी। ओके बस सर, ऑलमोस्ट डन विद इट, ऑलमोस्ट। ओके, फाइव मिनट्स सर, 5 मिनट्स। ओके ओके, गुड ऑफिस। दोपहर का खाना भी मिल गया और यहाँ अभी तक नाश्ते के ही कोई आसार नहीं। खाने पीने के अलावा और कुछ नहीं सोचता ना। तुम पता है, मैं और नवीद इस घर में तकरीबन 7 ही शिफ्ट हुए थे, आज उसके पास गाड़ी है और मैं अभी तक बाइक घसीट रहा हूँ। अल्लाह बख्शे, मरहूमा सासूमा कहा करती थी कि इंसान को अपने नसीब पे शुक्र अदा करना चाहिए। अम्मी चली गई लेकिन तुम्हें सब कुछ खोल के पिला दो। ऐसी बहुएं नसीब वालों को मिलती है, अम्मी ऊपर से देख के खुश होती होंगी कि मैंने कभी आपको उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। सही कह रही है, बीवी हो लेकिन लगती नहीं है, जब भी पास आती हो ना लहसुन अदरक की खुशबू आती है। और नाखून देखो अपने, इन पे कभी नेल पॉलिश लगी नहीं देखी मैंने, इसमें भी आटा फंसा हुआ है। अब भी ना, बहुत ही मजाकिया है सैया जी। अरे चूल्हे पे दूध रख के आई थी, चले मैं जाती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा और दरवाजा ठीक से बंद करके जाएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। कमाल की स्नैच बीवी मिली है मुझे, तंज मारो उसको भी मजाक में लेती है। नगमा जी आई। जी मिल्क के दर है, प्लीज मिल्क ला दो मुझे।
और रेडीमेड नाश्ता है, फिर भी इतना टाइम लग रहा है। वो असल में पहले बॉस का फोन आ गया था, फिर बेल बज गई थी, हमीदा का बेटा आया था, कह रहा था कि आज अम्मानी आएंगी, बीमार है, फिर इतनी देर में दूध भी उबल गया। अच्छा चलो ठीक है, अब तो ला दो ना, देखो मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, प्लीज एक घंटा मत लगा देना। सुने आप देख लीजिएगा मुझे जरा दूध। मैं देख लेता हूँ। वाईफाई अभी डाउन होना था। नजमा वो तो भी आया, तो जाके लॉन्ड्री से निकाल के दे दो कपड़े। नजमा मैं ऑफिस के लिए तैयार हूँ, इन कपड़ों में जाके वो मैले कुचैले कपड़े निकालूं मैं। तो मैले कुचैले कपड़े भी तुम्हारे ही हैं, जाके दे दो, मुझे बॉस को ईमेल भेजनी है। अरे तो ये काम तुम सुबह जल्दी उठकर किया करो ना। मैं उठती हूँ जल्दी, क्या मतलब? हाँ उठती जरूर हो, लेकिन एक घंटा खुद तैयारी में लगा लेती हो। अच्छा तो वर्क फ्रॉम होम का ये मतलब है कि मैं मतलब भंगी हालत में बस बैठ जाऊँ घर पे? हाँ नहीं, इंसान को प्रेजेंटेबल रहना चाहिए। अब जाओ, चला जाएगा तो भी फिर मुझे लगानी पड़ेगी मशीन। Look at the time. मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, चली जाओ तुम। तो बातें मत करो ना, जाके लॉन्ड्री दे तो आके नाश्ता कर लेना। ओके। दाहौल अबरक को बात, किस किस्म की बीवी से पाला पड़ा है मेरा। इतनी स्मेल, इतना परफ्यूम लगाता हूँ फिर भी यकीन नहीं आ रहा मेरी शर्ट्स हैं। आओ भाई जी आओ, छेती करो, पहले ही बड़ी देर हो गई है। अच्छा तो ये लो, खुद निकाल लो फिर। क्या है ना साहब जी, सबसे ज्यादा देर आपके दरवाजे पे लगती है। अपनी साइमा बाजी है ना, पहले से गिन के बांध के दरवाजे पे रख देती, अपना बड़ा काम आसान हो जाता है। अरे काश मेरी भी साइमा भाभी जैसी बीवी होती तो अब तक लंच बॉक्स लेकर ऑफिस जा चुका होता, यहाँ सर ना खपा रहा होता। खैर ये कपड़े निकाल लेना और ठीक तरह धोकर लाना, और हाँ ये बास्केट यहीं छोड़ना, ये ना ले जाएं। अजीब आदमी है, मैंने क्या करना है इस बास्केट का। चलो जी इससे मिला करो, टाइम घोटनी हो जाता है ऐसा। प्यार करूं, ये ले सैया जी की गर्मा गर्म कड़क दूध पत्ती। क्या उलिया बना के रखा, और ये बदबू कहां से आ रही है? अरे बदबू नहीं, इलायची की खुशबू आ रही है, इलायची डाल के चाय बनाई है। पठान की चाय का मजा ना आए तो कहिएगा। और गाना कैसा लगा मेरा? बहुत बुरा, बिल्कुल तुम्हारी आवाज की तरह। आप भी ना बहुत ही मजाक किए हैं, टीवी खराब था, बनने गया था तो मैंने सोचा खुद ही एंटरटेन कर लूं। इसलिए मैं एंटरटेन करोगी तुम मुझे? सुने क्या हुआ है मेरे हुलिये को? सब कुछ ठीक है, बस सर में तेल ही तो लगाया। क्या सर में तेल लगाया तुमने? जाओ अभी के अभी जाके नहाओ। हरगिज भी नहीं, इतनी मुश्किल से 12 किस्म के मिक्सचर का ऑयल मिला है मुझे, मैं तो ये नहाने से पहले ही धोऊंगी। इतने तेल मिला के कौन लगाता है सायमा? मेरे दिमाग पे चढ़ गई है स्मेल, बेहोश हो जाऊंगा मैं, पूरा दिन कैसे बर्दाश्त करूंगा तुम्हें? तो ना देखे ना मुझे, आप घर की तरफ देखें, कितना चमक रहा है। आपको पता है सर्फ में सिरका डाल डाल के पोछा लगाया मैंने। अच्छा आप एक काम करें, या तो अपना मोबाइल देख लें या फिर किसी दोस्त से बात कर लें, उतनी देर में मैं खाना लगा दूंगी, और सालन तो मैंने इतने मजे का बनाया कि आप हाथ चूम लेंगे मेरे। क्या करूं मैं तुम्हारा? हाय अल्लाह, ये भी मैं बताऊं कि क्या करें, शर्म आ रही है मुझे। ऐसी बातें करियो, ये देखो देखो ये नवीद ने सुबह सुबह तस्वीर लगाई है, इतना खुश लग रहा है, और भाभी को देखो
कितनी अच्छी लग रही है। हाँ। और अपना हुलिया देखो, क्या हुलिया बना के घूमती हो तुम, मासी लग रही हो तुम। खाने की टेबल देखो, ये होता है नाश्ता, और तुम मुझे नाश्ते में क्या देती हो, घी वाले पराठे, घी टपक रहा होता है पराठों से। हाँ तो वो कोई बाजार का घी थोड़ी होता है, मैं खुद घर पे अपने हाथ से बनाती हूँ, क्योंकि अपने सैया जी की सेहत का पूरा ख्याल है मुझे। तुफ है मुझ पर, जो मैं तुमसे हर बार परफेक्ट होने की तवक्का करता हूँ। पी लो चाय तुम, मुझे नहीं पीनी। अरे सुने तो सैया जी, बात तो सुने। तो अब क्या ये चाय भी मुझे ही पीनी पड़ेगी? कोई बात नहीं, सैया जी के आने तक कोई अच्छा सा गाना सोच के रखती हूँ, तैयार होके गुनगुनाऊंगी तो खुद ही मूड ठीक हो जाएगा। अरे वाह निहारी, बिना बोले ही बना ली, क्या बात है। और ये साइमा भाभी ने बजवाई थी। रखमा, हर दफा साइमा भाभी ही भिजवाती है, कभी तुम भी कुछ भिजवा दिया करो। ऑफिस का काम करने के बाद घर की सफाई करना मुश्किल हो जाता है, खाना कैसे पकाऊं? हफ्ते में 3 दिन खाना बाहर से आता है, वीकेंड पर हम ऑलरेडी बाहर चले जाते हैं। 2 दिन तुम्हें खाना बनाना होगा, उसमें भी गोया ये एहसान है। एहसान नहीं, फैक्ट है। कभी आप घर का काम करके देखें, इतना मुश्किल होता है। तो जब मैनेज नहीं हो रहा तो छोड़ दो जॉब। देखो मैं इतना कमा लेता हूँ कि घर के सारे खर्चे उठा सकता। अच्छा, और ये घर जो ईएमआई पे लिया हुआ है, गाड़ी जो लीज पे ली हुई है, हम दोनों मिलके किस्तें भरते हैं ना। मैं कदम से कदम मिला के आपके साथ चल रही हूँ, इसलिए सब कुछ अच्छा जा रहा है। क्या खाक अच्छा चल रहा है? कभी नाश्ता प्रॉपर नहीं मिलता, कभी खाना स्किप हो जाता है। अरे वो तो अल्लाह का शुक्र है, अगर ये साइमा भाभी नहीं भेजती तो हम तो ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे होते। नहीं हम नहीं, मैं, क्योंकि आप कह चुके हैं कि खाना मेरी जिम्मेदारी है, तो जब मैं नहीं पकाती मुझे ऑर्डर करना पड़ता है, मेरे पैसे खर्च होते हैं। और मैं आपके लिए बहुत अच्छा नाश्ता बनाती हूँ, ये देखें इतनी लाइक्स, इतने कॉमेंट्स। कॉमेंट्स में लोग कह रहे हैं कि मैं कितनी सलीकेदार हूँ और कि आप कितने लकी हैं, हमारे कपल को इतना अप्रिशिएट किया जा रहा है। नगमा, ये तो मेरी प्रोफाइल है, तुम्हें मेरा पासवर्ड कैसे पता चला? ओह गॉड, तुमने मेरे बिहाफ पे पोस्ट कर दी। मां तुम, अच्छा जबी तुम सुबह मेरे साथ पिक्चर्स लेने के लिए फोर्स कर रही थी, ये पोस्ट कर लो वो पोस्ट कर लो, क्या किया तुमने? अच्छा मेरी जान, पता है जब आपकी बीवी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हो ना, वर्क फ्रॉम होम करती हो, बिजली के बिल्स भी ऑनलाइन पे करती हो, तो आपके बिहाफ पे इतना भी नहीं कर सकती क्या? रहने दो यार, यानी मेरी प्रोफाइल भी अपनी नहीं रही, उस पर भी तुमने कब्जा जमा लिया। अरे प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं? आपको मेरा शुक्रिया अदा करनी चाहिए कि मैंने आपकी इतनी अच्छी इमेज रखी हुई है लोगों सामने। हाँ बहुत मेंटेन किया हो। अरे उन्हें तो पता नहीं है कि तुम चीज क्या हो और किस तरह मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। एक तो ये मेरे नाश्ते और खाने के टाइम पर ही बेल बजती है, ये भी मेरी ही दुश्मन है। बहुत ही कोई नाशुक्र इंसान है ये, इतना कुछ करती हूँ, इतनी कोशिश करती हूँ, सब कुछ बांटा हुआ है, बिल्कुल भी कदर नहीं करते हैं मुझे। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे नहीं यार, तुम्हारा अपना घर है और वैसे भी पड़ोसी हो, डिस्टर्बेंस कैसी? एक्चुअली बोर हो रहा था आज बहुत, तो मैं सोचा तुम लोगों के साथ डिनर करता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भाभी ने इतनी अच्छी निहारी बनाई, तुमने टेस्ट नहीं की? यार वो एक्चुअली उसकी खाला की तबीयत बहुत अचानक खराब हो गई, उसका इमरजेंसी में जाना पड़ा। अरे नवीद, आप क्या सारी बातें खड़े खड़े दरवाजे पे करनी है, अंदर आए ना सुहेल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं बस लगा रही हूँ टेबल, आप लोग अंदर बैठे, मैंने इन्हें ना एक नया टीवी गिफ्ट किया है, आप लोग बैठ के देखें, तब तक मैं आती हूँ। ओके चलो आओ आओ। क्या जरूरत है मुझे सुहेल के सामने बोलने की कि तुमने गिफ्ट किया? क्या सोच रहा होगा वो कि मैं कोई चीज खुद से खरीद ही नहीं सकता? फिर हम कपल हैं, हमारे बीच कोई तेरी मेरी नहीं है। पर हमारे खानदान में घर की सरपरस्ती और ऐसी बड़ी चीजों की खरीदारी का बजट हमेशा मर्द के जिम्मे होता है। अगर आप ऐसे मर्द बन गए ना तो हमारे घर में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई।
ये क्या कर रही हो? निहारी गर्म कर रही हूँ सर्व करने के लिए। अरे खुदा की बंदी, वो उनका खाना उन्हीं को सर्व कर रही होगी। उन्होंने घर पे तो नहीं खाया होगा ना। खुदा के लिए बेइज्जती मत करवा देना। तुम साथ में ना कुछ और भी ऑर्डर कर दो प्लीज। वो बैठे हुए हैं, इतनी जल्दी कुछ भी नहीं आएगा। देखो साइमा भाभी के सलीके और तुम्हारे फूवड़पन पे मुवाजना करता हूँ तो तुम चिढ़ जाती हो। उनके घर जब मैं गया था क्या कुछ सर्व नहीं किया था। सालन अलग था, चावल अलग थे, स्वीट डिश, सलाद, पापड़, सब कुछ था, सब कुछ सर्व किया था उन्होंने। फिर से शुरू हो गए ना आप। ठीक है मैं खाना पकाने में एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन बहुत सारी दूसरी चीजों में बहुत अच्छी हूँ ना। नगमा मैं तुम्हें सिर्फ एहसास दिला रहा हूँ कि जो इज्जत तुमने सोशल मीडिया पर बनाई है पड़ोसियों के सामने तो एटलीस्ट बना कर रखो। अच्छा ठीक है, जो हलीम मंगवाई थी मैं गर्म कर देती हूँ और शामी को वापस देती हूँ फिर। शुक्र है सबसे ज्यादा अकलमंदी की बात की है तुमने। मैं सोहेल को जाके कंपनी देता हूँ, तुम प्लीज ये सब कर देना। हाँ गुड। कभी हाथ नहीं बटाते, बस ऑर्डर देते हैं और चले जाते हैं। अच्छा बस देखना नहीं। कहाँ लेकर जा रही हो? Just wait, देखना नहीं, surprise। अम्मा मुझे वाकई कुछ वेट नहीं करना कि मैं मामा और तुम पापा बनने वाले हो। नगमा मुझे बच्चा नहीं चाहिए। नवीद हमारी शादी को 4 साल हो चुके। जानता हूँ पर ये भी जानता हूँ कि फिलहाल तुम इस बच्चे की जिम्मेदारी उठाने की आहिल नहीं हो। हाँ देखो नगमा, तुमसे घर का काम नहीं होता, दो लोगों का खाना नहीं बनता, मेरी कोई चीज़ अपनी जगह पर नहीं होती, घर की बैल बज जाए तो दूध उबल जाता है, बॉस की इमरजेंसी कॉल आ जाए तो पैर फिसल जाता है, तुम बच्चे को क्या खाक संभालोगी? क्या है ये? तुम्हारे अंदर इतनी इमैच्योरिटी है कि तुमने मेरे आने का भी इंतजार नहीं किया और तुमने ये न्यूज़ सोशल मीडिया पे डाल दी। तो हमारी कोई खुफिया शादी नहीं हुई जो मैं अपनी माँ बनने की खबर लोगों से छिपाऊं? और वैसे भी मेरे दोस्त अहबाब हैं, वो मेरी खुशी में शरीक होते हैं। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि अपनी ये फेक हैप्पी मोमेंट सोशल मीडिया पर लोगों से शेयर करके हमारी अपनी जाती जिंदगी की हकीकी खुशियां खत्म होती जा रही हैं। हम नोटिस कर रही हूँ इस बात को। हमारी हकीकी खुशियां सोशल मीडिया की वजह से नहीं, आपकी वजह से खत्म हो रही हैं नबी। फेसबुक पर लाइक्स और असल जिंदगी में हम एक दूसरे को ना पसंद करने लगे हैं। हम नहीं, आप। हाँ हाँ मैं, क्योंकि तुम 4 साल में भी मेरे मिजाज में नहीं ढले। साइमा भाभी को देखो, तुम्हारी तरह फेसबुक पे ढिंडोरा नहीं पीटती वो। उनका घर और सलीका उनकी खुशहाल जिंदगी का राज बताता है खुद। साइमा 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 साइमा, थक गई हूँ पक गई हूँ मैं ये नाम सुन सुन के। मेरा नाम नगमा है, मेरी अपनी एक पर्सनैलिटी है। क्या आपको मेरे अंदर कोई खूबियां नहीं नजर आती? देखें देखें मुझे, मैं ये घर बनाने में आपका साथ देती रही हूँ नवीद। जॉब करना तुम्हारी अपनी जाती खुशी थी, मेरी नहीं। मुझे होम मेकर चाहिए थी, बटी हुई औरत नहीं। आज खाना घर पे नहीं खाऊंगा। क्यों सैया जी, आज तो मैंने कीमा भरे करेले बनाए। तुम कभी अपने कीमा करेले निहारी कुन्ना इन सब से बाहर निकलोगी? आप बाहर लेकर जाएंगे तो क्यों नहीं। सैमा कभी तो सीरियस हो जाएगा।
जिस दिन मैं सीरियस हो गई, आपकी और मेरी दोनों की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। वैसे कहाँ जा रहे? वो जीशान की शादी है। अरे वाह, जीशान भैया की शादी हो रही है, तो क्या फैमिली को नहीं बुलाया? बुलाया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं लेके जा रहा। क्यों? क्यों? क्या मतलब क्यों? हर जगह तुम मेरा मजाक बनवाती हो, कोई तुमसे कोई भी बात करे पूरे घर की स्टोरी सुनाना शुरू कर देती हो। दुनिया में क्या चल रहा है कोई खबर भी है तुम्हें? हर वक्त यही तकरीर सुनाती रहती हो, मेरा घर मेरी जन्नत। फर्श पे पोछा ऐसे लगाती हूँ कि मक्खी नहीं आती, तड़का ऐसा लगाती हूँ। यार कमॉन, ये सब बातें करता कौन है? तो सब औरतें ऐसी बातें करती हैं? नहीं करती ऐसी बातें, गलत फहमी है तुम्हारी। अब नगमा भाभी को ही ले लो, वो तुम्हारी तरह पेंडू नहीं है जो इस तरह की बातें करेंगी। नगमा नगमा नगमा, तंग आ गई हूँ मैं ये नाम सुन सुनकर। क्या आपको मुझ में कोई खूबी नजर नहीं आती जिसके आईने में कोई और नजर ना आए? खूबी? हाँ, यहाँ भी ना वो दोनों बाजी है। गुड न्यूज उनके घर पे, माँ बाप बनने वाले। नगमा भाभी ने स्टेटस लगाया था, यू नो व्हाट, नवीद के लिए दुनिया जन्नत है, मेरे लिए। भाभी आप रो रही हैं? आप मुझसे पूछ रही हैं? मुझे तो लग रहा है आप भी रो रही हैं। असल में जब एक पढ़ी लिखी बीवी अपने शौहर का हाथ बढ़ाने की कोशिश करती है ना, बाहर जाके काम करती है, दोनों कई हिस्सों में बट जाती है। बाहर से सबको लग रहा होता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, पिक्चर्स, लाइक्स, कमेंट्स, लेकिन वो सब झूठ होता है। असल में मर्दों को एक बटी हुई औरत नहीं चाहिए होती, तबीयत को भी नहीं चाहिए। वो तो मुझे आपकी मिसालें देते रहते हैं, आपकी तारीफ करते रहते हैं कि आपका सलीका इतना अच्छा है, आपकी तारीफ करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। आपकी होम मेकिंग के तो वो गुण गाते हैं, वो कहते हैं कि सोहेल भाई की तो जिंदगी एक जन्नत है। एक कम पढ़ी लिखी लड़की शौहर का बाजू नहीं बन सकती, बाहर की जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकती, घर और गाड़ी की किस्तें नहीं भर सकती, लेकिन वो अपने शौहर की हर छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती है। महंगे परफ्यूम, महंगे लिबास, बिना वजह का मेकअप, होटलों में खाना खाना, ये सारे चीजों में अपने शौहर के खर्चे नहीं करवाती। लेकिन शौहर को ऐसी बीवी नहीं चाहिए होती, सुहेल को भी नहीं चाहिए। आपको पता है भाभी, वो हर वक्त आपकी मिसालें देते हैं, आपकी तारीफें करते हैं, अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छी अंग्रेजी, नवीद को बाहर के कामों में सपोर्ट करने वाली। उनका कहना है नवीद भाई की जिंदगी जन्नत है। लेकिन मैं तो आप पे रश कर रही थी। और मैं आप पर। एक सेकंड, यानी कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही। अब हम भी उन्हें बता देंगे कि दूर के ढोल अक्सर सुहाने होते। क्या मतलब? हाँ वो मीटिंग तो उतने ही बजे, मैं आता हूँ ना, फिर मैं बाकी चीजें डिस्कस करता हूँ। जी, ये क्या? देसी नाश्ता, कीमा, पराठे, दूध पत्ती। आज मैं सिर्फ एक हाउस वाइफ, अब कोई रेडीमेड खाना नहीं। आज सूरज कहाँ से निकला है भाई? सूरज तो मशरक से ही निकला है, लेकिन रोशनी आपकी बातों से बढ़ी। अब मैं सिर्फ एक अच्छी हाउस वाइफ। तो मैंने तो आपका लंच बॉक्स ही पैक किया है। ये मैं, ये आप ऑफिस लेके जाएंगे सोच रहे हैं। वाओ, ऐसा लग रहा है जैसे ख्वाब देख रहा हूँ मैं। वैसे ना ये
ये हुलिया तुम पे सूट बहुत कर रहा है, लेकिन बस ये जो बदबू आ रही है। हाँ वैसे ना मैंने ना एक तेल लगाया हुआ है, तो सायमा भाभी ने मुझे बताया था उसके बारे में। ना आपको लंबे घने बाल पसंद है, जल्दी से मेरे बाल लंबे और घने रहे। नजमा ये बदबू बर्दाश्त करते हुए मैं नाश्ता तो नहीं कर सकता ना। अरे अब लंबे घने बाल पसंद है तो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना। आखिर सुहेल भाई बर्दाश्त करते हैं, सायमा भाभी तो पूरा पूरा दिन लगा के बैठी रहती है तेल। सुहेल की हिम्मत है भाई, वाकई खाए खाए। अब अच्छा वो हमारी आज मीटिंग नहीं है? नहीं मेरी कोई मीटिंग नहीं है। ओ एक और गुड न्यूज़, मैंने अपने सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर, तो अब हमारी प्राइवेट लाइफ प्राइवेट ही है। अच्छा कि वाकई तुम ही हो? नहीं वो मेरा मतलब है कि ये तुम्हारे हाथ हमेशा साफ शफाफ और मॉइस्चराइज्ड ही देखे हैं, तो आज आटा लगा हुआ है तो बस तुम ये हाथ तो धो लेती अपने सही तरीके से। अरे हाउसवाइफ तो इस तरह ही होती है ना, हमारे दो ही काम होते हैं, शोहर के लिए खाना पकाना और फिर घर का ख्याल रखना, है ना, तो इतना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। चले खाए खाए। It's good. Very nice. Saima? क्या हुआ है, ऐसे क्या देख रहा है? बहुत अच्छी लग रही है। Thank you. 4-5 दिन के लिए शहर से बाहर का गया, तुम तो बदल ही गई हो। Everything is temporary, but the change is permanent. वाह, अंग्रेजी, यही तो मैं चाहता था। कहीं जा रही हो? जी। आप जाने से पहले बेड मेक कर लीजिएगा और ऑफिस के कपड़े भी आयरन कर लीजिएगा। लेकिन नाश्ता तो बना दो। नाश्ता रेडी है और रेडीमेड है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आज के जमाने का मॉडर्न मर्द चाहता है। मैं तो बिला वजह आपके लिए नाश्ते की नई नई तरकीबें ट्राई करती थी, अब एटलीस्ट हल्का नहीं होना पड़ेगा गर्मी में। मैंने भी वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया है, कुकिंग बेकिंग एंड होम मेकिंग विद सायमा। यही सब आप चाहते थे ना? और हाँ प्लीज, जब आप नाश्ता कर लें तो अपने बर्तन उठा के किचन में रख दीजिएगा और उन्हें धो भी लीजिएगा, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, बाय। इसको क्या हो गया? पहले तो सैया जी करके आगे पीछे घूमती थी, अब तो लिफ्ट ही नहीं करा रही। नगमा ये क्या है? मैं सुबह गया था तब भी तुम इसी हुलिया में थी, अभी आए हो तब भी तुम ऐसी हो। अरे मुझे छोड़े, घर को तुम देखिए किस तरह से चमक रहा है, हर एक चीज अपनी जगह पे। बल्कि आप चेंज कर ले, आपके कपड़े बाथरूम में है, कल के भी कपड़े प्रेस होके लटकाए हुए हैं, चाय भी रेडी है। थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे अपनी तैयार नगमा ही चाहिए। अरे मैं तुम्हें इस हालत में तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम पता है मेरे दोस्त क्या कह रहे थे कि मैंने अपनी कोई मॉर्निंग सेल्फी नहीं डाली, अब मैं उन्हें क्या बताऊंगा ये काम तो तुम किया करती थी। हाँ मैं क्या करती थी, लेकिन अब क्या करें, मैंने सफाई की भी, खाना बनाया, कपड़े धोए, सब कुछ किया, तो मैं सोचा कल ही शावर ले लूंगी, वैसे ही मुझे भी किसने देखना। नगमा मेरी बात सुनो, तुम फ्रेश नहीं लग रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे घर की मुलाजमा हो। तो कोई बात नहीं, मुझे किसने देखना है? क्या मतलब है इस बात का? अरे मैं नहीं हूँ तुम्हें देखने के लिए। अच्छा आप तो मुझे कहीं दिन तक नहीं देखते, आपको तो सिर्फ अपने काम की पड़ी भी होती है ना, और फिर जब देखते भी हैं तो मुझे कहते हैं कि मैं कितनी फूहड़ हूँ और कि सायमा भाभी का घर कितनी बड़ी जन्नत है। ये क्या तुमने सुबह से सायमा भाभी के नाम की रट लगा रखी है? अब मेरी बात सुनो, तुम प्रेग्नेंट हो ना, ये इतना वर्कलोड तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है।
साइमा भाभी के नाम की रट मैंने लगाई हुई है, उन्हें अपने और मेरे बीच आप लाए हैं, और उस बच्चे के आने की खुशी आपने नहीं मनाई ना, तो अब उसकी माँ की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप सब कुछ जैसा चाहते थे मैं सब कुछ अब वैसे ही कर। नहीं नखवा, मेरा कहने का बेकिंग तो आप लोगों ने सीख ली, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि केक को डिजाइन किस तरीके से करना है। केक डिजाइन करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं, उसमें सबसे पहली चीज है ये आप देख सकते हैं कलरफुल। मेरे मोजे कहाँ? एक भी नहीं मिल रहा। मैं वीडियो बना रही हूँ। मुझे ऑफिशियल डिनर पे जाना है, मेरे मोजे किधर हैं? आज ही धोबी को दिए हैं, एक हफ्ते बाद मिल जाएंगे। What? मोजे धोबी को कौन देता है? तुम खुद नहीं धो सकती थी, करती क्या हो तुम पूरा दिन? अब मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, बिजली और गैस के बिल अब से मैं भरा करूंगी। और ये छोटी सी चीज जिसकी अभी आप मिसाल दे रहे थे, कभी बहुत मोहब्बत से धोती थी मैं, लेकिन ऐसी कितनी ही अनगिनत मोहब्बतों और छोटी छोटी आसानियों को तो आपने कभी कंसिडर ही नहीं किया। क्या कहा था आपने? एहसान ना किया करूं, खुद मत धोया करूं, धोबी को दे दिया करूं, तो मैंने सोचा कि आपकी बात मान लेनी चाहिए। यही चाहते थे ना आपके मैं नगमा भाभी की तरह बन जाऊं, तो मैं बन गई। आप मैं अपनी वीडियो कंप्लीट कर लूं प्लीज? प्लीज कहाँ थी मैं? हाँ, इस पे थी मैं। गाइस, मैं आपको बता रही थी कि केक डिजाइन करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास ये है, ये आप देख सकते हैं। मैं रोज रोज में इतना हैवी नाश्ता नहीं कर सकता, मेरे कॉर्नफ्लेक्स, बॉयल एग्स, जूस, बटर वगैरह सब किधर है? और हाँ, मुझे याद आया, तुम गाड़ी की इंस्टॉलमेंट कब पे करोगी? एक हफ्ता हो गया, कब करोगी? अगर आपको पराठे नहीं खाने तो फिर सादी रोटी खानी पड़ेगी। असल में पहले जिन चीजों की आदत थी ना आपको, वो आते थे मेरी कमाई से, अब मेरी कमाई है नहीं तो गाड़ी की किस्तें भी खुद भरनी पड़ेंगी। क्या मैं कहां से करूंगा? पेंडिंग पे डाल दें। पेंडिंग पे नहीं डाल सकते, तीन पेंडिंग्स के बाद बैंक से नोटिस आ जाएगा, वो घर से गाड़ी उठा के ले जाएंगे। नवीद, ये मेरा मसला नहीं है। आप चाहते थे कि मैं साइमा भाभी की तरह एक होममेकर, एक घरेलू बीवी, एक अच्छी बीवी बन के रहूं, तो मैं बन गई, तो ये बाकी चीजें तो आपको खुद मैनेज करनी पड़ेंगी। कैसे करूंगा मैं? मुझे तुम्हारे साथ की आदत है ना। अरे आई डोंट केयर ना, असल में मैंने घर संभालना सीख लिया है, तो अब बेहतर यही होगा कि बाहर की जिम्मेदारियां आप संभालना सीख लें। तुम्हारी और भाभी की जिंदगी से अपनी जिंदगी कंपेयर करते करते ना मैंने साइमा को खो दिया। पहले जब मैं काम से आता था तो दरवाजे पे खड़े होकर मेरा इस्तकबाल करती थी, सैया जी कह के मेरे आगे पीछे फिरती थी, मेरी तल्ख से तल्ख बात को हंसी में उड़ा देती थी। तुम्हें पता है, जितने मुख्तलिफ जायकों की चाय उसने मुझे बना के पिलाई है ना, वैसी चाय मुझे कहीं नहीं मिली। हर किस्म के देसी खाने हैं जैसे उसने मुझे खिलाया, किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिला। यार मैंने उसके प्यार की ना कदर नहीं की। तो रेडीमेड नाश्ता होता है, हफ्ते में तीन दिन बाहर से खाना खाता हूँ, कपड़े भी खुद इस्त्री करता हूँ, ये छोटी मोटी चीजें मुझसे खुद मैनेज नहीं होती हैं यार। बाजार लोगों के सामने तो हम लोग एक परफेक्ट कपल है, लेकिन असल में जिंदगी बिल्कुल फीकी है। जैसे मेरा घर,
सायमा के बगैर। सोहेल, हर घर की यही कहानी है, हर घर की, हम जैसे मर्दों की यही कहानी। हमें वो चीज अट्रैक्ट करती है जो हमारी पहुंच से बाहर होती है। घर की मुर्गी दाल बराबर। मैं समझा नहीं, क्या तुम्हारी भी सेम सिचुएशन है? हाँ यार, सेम सिचुएशन है। नगमा को मैं सायमा भाभी की मिसालें देता था, अब वो सायमा भाभी जैसी हो गई है। हाँ, मुझे घर साफ मिलता है, 3 वक्त का खाना मिलता है, अपनी हर चीज जगह पर मिलती है, लेकिन मैं बहुत मसरूफ हो चुका हूँ यार। मतलब मेरा कोई हाथ बटाने वाला नहीं है। गाड़ी की EMI पे करनी होती है, यूटिलिटी के बिल्स, घर की ग्रोसरी, इस सब में पहले नगमा मेरा साथ दिया करती थी और अब यार सुहेल, गलती तो हमसे हुई है और इसका कफारा भी हमें अदा करना हो। सही कह रहे हो, मुझे भी अपनी बीवी वापस चाहिए यार। मुझे भी यार, आई थिंक हमें इनसे बात करनी चाहिए। हाँ बात कर, ये लोग आ गए, चलो चल के बात करते हैं। नगमा, सायमा भाभी, मुझे और सोहेल को समझ आ गई है, हमें आप लोगों का पुराना अंदाज ही पसंद था। यानी मैं वही ऊल जलूल सी, सर में तेल लगा के सैया जी बोलूं तो चलेगा? चलेगा। और मैं सुबह जल्दी से रेडी होके वर्क फ्रॉम होम करूंगी, बाहर से नाश्ता आएगा, एक पाँव किचन में, एक हाथ लैपटॉप पे, चलेगा? हाँ चलेगा चलेगा। आप लोगों ने हमें एडिट करने की कोशिश की तो हम दोनों ने एक दूसरे को खुद से रिप्लेस कर दिया, लेकिन रिप्लेस करने के बाद सिर्फ डिलीट करने का ऑप्शन बचता है, क्योंकि जिंदगी हर बार अंडू करने का मौका नहीं देती। सोच ले, हम लोग जान चुके हैं कि आप लोग जो भी करती थी बहुत ही मोहब्बत और खुलूस से करती थी, हम लोग बस जाहिर को देखते रहे। आपकी सीरत और ये जो हमारे लिए डिवोशन है, सोने में तोलने के काबिल है। वाह, आप दोनों तो बिल्कुल बदल गए। तो क्या ख्याल है नगमा भाभी, अगर इन लोगों ने अपना सच बता दिया है तो हम भी इन्हें अपना सच बता दें? मैं पूरा दिन मेली नहीं रहती थी। एक्चुअली जब आप घर आते थे नवीद, मैं तो एक्टिंग करती थी। जो रेडीमेड नाश्ता टेबल पर होता था वो नगमा भाभी बनाकर भेजती, और जो देसी नाश्ता आप खाते थे वो ये भेजती थी। देखे, 4 दिन में किसी को ना तो कंप्यूटर यूज करना आता है, ना ही कोई कारोबार 4 दिन में चल पड़ता है कि धड़ाधड़ ऑर्डर भी आना शुरू हो जाए और मजे की बात अंग्रेजी भी आ जाए। एक्चुअली इनको अंग्रेजी के चंद जुमले मैंने सिखाए थे, खाना ये बना के भेजती थी और मैं पेमेंट करती थी, और ऊपर से इनके जो अकाउंट है ना सोशल मीडिया के, और एडिटिंग सारी मैं मैनेज करती थी। आप दोनों ने हम दोनों के जज्बातों के साथ खेला। नहीं, हम आपको समझाना चाहते थे कि घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं होती, उसको मुर्गी समझना चाहिए। बिल्कुल, वरना वो ऐसा मजा चकाती है कि शौहर दाल का मजा भी भूल जाता है। तो फिर कह दें, We forgive you. Thank you.